एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप सब ने अपनी आईटीआर 21-22 की फाइल कर दी होगी, लेकिन अगर आप चूक गए किसी वजह से अपनी आईटीआर फाइल करने से और 31 दिसंबर अब क्रॉस हो चुकी है तो आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(1). तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या अब आप 21-22 की आईटीआर फाइल नहीं कर सकते? क्या अब आपको लेट फीस देनी होगी अंडर सेक्शन 234(f)? तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं कि अभी भी आपके पास एक मौका है। आप 31 मार्च 2022 तक अपनी असेसमेंट ईयर 21-22 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन अब आपको सेक्शन चेंज करना होगा। अब आप अंडर सेक्शन 139(1) अपनी आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, अब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे जो कि होगा सेक्शन 139(4). आईटीआर फाइल करते समय जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कॉलम पर जाते हैं तब आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट करने के लिए कि आप किस सेक्शन के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं। तो जब हम बिफोर ड्यू डेट अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं, जैसे कि हमने 31 दिसंबर से पहले जो भी आईटीआर फाइल की उन सबको हमने अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल किया था, लेकिन अब आप वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब आप अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वो है बिलेटेड रिटर्न का अंडर सेक्शन 139(4). और जो लोग भी अपनी आईटीआर फाइल कर चुके हैं लेकिन उसे रिवाइज करना चाहते हैं वो सेक्शन सेलेक्ट करेंगे 139(5), यानी कि रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन। तो अभी भी आपके पास एक मौका है और आप 31 मार्च 2022 तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इसमें लेट फीस कितनी देनी पड़ेगी। तो लेट फीस के लिए यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। आपकी लेट फीस वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू योर टोटल इनकम, मतलब कि आपकी नेट इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेट फीस वेरी करती है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका क्राइटेरिया है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि होती है 2.5 लाख रुपए, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो आपको कोई भी यहाँ पर लेट फीस नहीं लगेगी अंडर सेक्शन 234(f) और आप पहले की तरह से ही नॉर्मली अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की है लेकिन 5 लाख रुपए के अंदर तक आ रही है तो आपको यहाँ पर लेट फीस सिर्फ 1000 रुपीज की लगेगी। तो जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे वहां पर आपको अंडर सेक्शन 234(f) पहले से ही लेट फीस लगी हुई मिलेगी। आप उसे पे करिए और आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के ऊपर की है, अगर 5 लाख रुपए के ऊपर की आपकी इनकम आ रही है तब आपको यहाँ पर 5000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर 5000 रुपए तक की ही है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कितनी भी ऊपर जाती है तब भी आपको यहाँ पर 10000 रुपए की पेनल्टी नहीं लगेगी। 10000 रुपए की जो पेनल्टी थी उसको हटा दिया गया है जो कि पिछले असेसमेंट ईयर तक लगती थी, लेकिन अब यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी 5000 रुपए तक की ही है। अगर आपकी इनकम कितनी भी ऊपर जाती है 5 लाख रुपए से तो आपको सिर्फ 5000 रुपए की ही यहाँ पर पेनल्टी लगेगी, यानी कि 5000 रुपए तक की लेट फीस लगेगी अंडर सेक्शन 234(f). तो अगर आपने अभी तक अपने आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो अभी आपके पास मौका है, फाइल कर लीजिए। 31 मार्च 2022 ड्यू डेट है आईटीआर फाइल करने के लिए। बिलेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं और रिवाइज्ड आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड की भी लास्ट डेट 31 मार्च 2022 ही रहेगी। काफी उम्मीद थी इस बार कि शायद डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 दिसंबर के आगे, क्योंकि नया पोर्टल था और काफी सारी इसमें प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया। इसलिए अब रिवाइज्ड आईटीआर की जो डेट है 31 मार्च उसके लिए भी कम पॉसिबिलिटीज ही हैं कि वो आगे एक्सटेंड होगी। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो उसे जल्द से जल्द फाइल कर लीजिएगा और ऐसा बिल्कुल भी वेट मत करिएगा कि डेट फर्दर एक्सटेंड कर दी जाएंगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।